जो खेल रचा था उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे माफियाज आ चुकी है। सो अब देखना पड़ेगा इस खेल के अंदर क्या इंसैनिटी के ऊपर पूरी तरीके से माफियाज की टीम डोमिनेशन दिखाएगी। जी बिल्कुल, माफिया बाला को यहाँ पे गया है, देखते देखते खत्म भी कर दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी थी टीम इंसैनिटी की, सबसे पहले हम अपने एक प्लेयर को रिवाइव भी दे देंगे और दूसरा जो भी टीम आसपास आएगी यहाँ पे देखते देखते कि यहाँ पे चलो रिवाइवल हो रहा है मतलब, तो चलो पुश करते हैं उनको जो है एक सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज जो है माफियाज की टीम बालों को खत्म करके और अंश अंश जोन के अंदर रहने वाले हैं, जोन कर दिया गया। देखते देखते काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश की, अंश इस बार बच पाएंगे लेकिन हेडशॉट लगाया जाएगा अंश के द्वारा और क्लियर भी कर ले जाएगा। काफी ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं, 40 हेल्थ है यहाँ पे, कितनी देर होल्ड कर पाना मुश्किल। 39 की एचपी सामने अंकित, डायरेक्ट क्लोज रश करेंगे लेकिन देखते देखते माफिया बचेंगे। 16 सर्वाइवर क्या फाइट में एंगेजमेंट दिखाएंगे, वैसे तो इनको आना चाहिए। जी बिल्कुल, हुकन का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए फाइनली फॉल बैक लेते हैं, को भी हुआ है लॉस और माफिया 16 सर्वाइवर एटी के। क्या ही यहाँ पे वन टैप लगाया गया, अंकित हो चुके हैं डाउन, खत्म भी कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये चार टीम, जी बिल्कुल चार टीम चार डायनेमिक डुओ, तो ये जो फोर वे बैटल का मैच जो चल रहा है इसमें कौन सी टीम मचा सकती है। लेकिन माफिया वाला के द्वारा यहाँ पे पानी का खेल ले लिया जाएगा, तो क्या हमें एक बुआ जो है माफियास के द्वारा देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक के बाद यहाँ पे ओजी को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो एक रैपिड फायर हमारे क्या कैसे उस चिरागी भाई। जी बिल्कुल, कहने की टीम माफिया 12 किल्स के साथ डुओ सर्वाइवर बचा हुआ है। फिलहाल नीचे यहाँ पर दो स्क्वाड्स और है, मतलब ओवरऑल तीन स्क्वाड है, 6 बंदे, 2v2v2 सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफी यूनिक सिचुएशन हर बार ऐसा होता नहीं है, पर फिलहाल M79 रेडी के बाद दिखाई दे रही है। कहने की थोड़ी सी पिक मिल रही है, पीक को मारने की कोशिश जरूर से थी, वो शॉट कनेक्ट करने की कोशिश थी बट वो शॉट जल्द से करेंगे कनेक्ट नहीं हुआ। AWM आते दिखाई दे रही है, फ्लैश बैक जरूर से कहने की काफी सटीक क्या है बट इतना सटीक नहीं कि आप डायरेक्ट नॉक निकाल पाओ, नेड करने की कोशिश है। 150 का डैमेज पड़ा नीचे तरुण को, जरूर से एक साथ दो स्क्वाड के साथ लड़ना पड़ रहा है। 11 स्क्वाड को नेड आएगा लेकिन डैमेज नहीं मिलेगा, 194 जरूर से यहाँ पर माफिया वाला रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर कहने की माफिया क्लियर बात हुई इसी एटी के साथ, जरूर से पीक लेने की कोशिश है। नेड एक और बार आया बट फिर से कनेक्ट नहीं हुआ है, इस बार माफिया करेंगे नेड जरूर से। वहां पर रेडी थोड़ा सा आगे आए, वॉल जरूर से मारी है। फिलहाल कहने की 10 नंबर स्क्वाड आराम ले रही है कि भाई पहले इन दोनों को लड़ने दो, अगर कुछ बचेगा तो हम निकालेंगे, पर वहां पर डाउन निकाल लीजिए नंबर स्क्वाड के एक बंदे को। फिलहाल माफिया नीचे आएंगे जरूर से, पर माफिया हमारा ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, स्क्वाड जरूर से वहां पर एक एलिमेंट चुकी है। 2v2 सिचुएशन, बट टीएफ जरूर से ले जाएगी, तगड़ा सा बुई है, का ही गेम प्ले।